और तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में आपको कुछ इस तरह का AI फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, जो कि अभी के टाइम पर कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर देना है, जो आपको इजीली अपने मोबाइल पर मिल जाएगा। इसका बाद आपके ऊपर सिंपल से चर्च वाले आइकन पर टच कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा Adobe Firefly। इतना चर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले वाली वेबसाइट को ओपन कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको कोने में एक साइनिंग का आइकन दिख रहा होगा, तो सिंपल इस पर टच कर देना है और आपको यहाँ पर अपने जीमेल से, गूगल से या तो फेसबुक से किसी भी चीज़ से इसे लॉग इन कर लेना है। इसके बाद आपको ऐसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको क्रिएट विद फायरफ्लाई लिखा हुआ मिल जाएगा, तो सिंपल इस पर टच कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपल से टेक्स्ट टू इमेज पर टच कर देना है, फिर आपके यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको एक जनरेटिव फिल नाम का एक AI टूल मिल जाएगा, तो सिंपल से आपको जनरेट वाले आइकन पर टच कर देना है, फिर आपके यहाँ पर सिंपल से अपलोड इमेज वाले आइकन पर टच कर देना है। तो आप जिस फोटो को भी एडिट करना चाहते हो उस फोटो को सिंपल से ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपके यहाँ पर तीन आइकन दिख रहे हैं, तो सिंपल से आपको इस पर इंसर्ट वाले आइकन पे टच कर देना है, फिर आपके यहाँ पर सिंपल से बैकग्राउंड वाले आइकन पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो एक ही झटके में हमारा बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है। फिर आपके यहाँ पर सिंपल से सब ट्रैक वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको हल्का हल्का फिर से ऐड कर देना है अपने बैकग्राउंड को। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखने का स्पेस मिल जाएगा, सिंपल इस पर टच कर देना है और यहाँ पर आप जो भी अपने बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गार्डन एंड माउंटेन। इतना लिखने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से जनरेट वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ ही सेकंडों में आपको कुछ इस तरह का फोटो इसने बना दिया है। इसके बाद आपको ये फोटो सही न लगे, यहाँ पर आपको नीचे और भी फोटो मिले, तो आप चाहो तो इनमें कोई सा भी फोटो को चूज कर सकते हो। अगर आपको इनमें से भी कोई फोटो सही ना लगे, यहाँ पर आपको एक मोर वाला आइकन दिख रहा है, सिंपल इस पर टच कर देना है और आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है, तो आपको और यहाँ पर फोटो बना के दे देंगे। तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर और भी तीन फोटो बना के दे दिए, तो आपके इनमें से जो भी फोटो सही लगे उसे सिंपल से टच कर लेना है। तो मैं इस वाले फोटो को चूज कर लेता हूँ, अब इसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आपको ऊपर एक डाउनलोड का आइकन दिख रहा है, सिंपल इस पर टच कर देना है और यहाँ से आपको सिंपल से डाउनलोड वाले आइकन पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से इसे कट कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पर सिंपल से स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर सिंपल से प्लस वाले आइकन पे टच कर देना है और हमने अभी जो भी फोटो को डाउनलोड किया है उसको सिंपल से ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। फिर आपके यहाँ पर सिंपल से टूल्स वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको हीलिंग वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ पर आपको एक वाटरमार्क मिल जाएगा Adobe Firefly का, तो इसे सिंपल से इरेज कर देना है। तो कुछ इस तरह से इसका वाटरमार्क भी रिमूव हो जाएगा। फिर आपके यहाँ से राइट वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट वाले आइकन पे टच करके यहाँ से इसे सेव कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर सेव भी हो चुका है और वाटरमार्क भी यहाँ से हट चुका है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, और ऐसे एडिटिंग का रिलेटेड न्यू वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।